दिल्ली पुलिस को यूं ही दिलवालों की पुलिस नहीं कहा जाता। कोरोना के दौर में आपने दिल्ली पुलिस की कई मौकों पर लोगों की मदद करते हुए उन तस्वीरों को देखा होगा जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान जरूरतमंदों को कोरोना के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां पहुंचा रहे थे। हालांकि राजधानी में कोरोना की रफ्तार तो अब थम गई है, लेकिन अब लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होने लगा है, जिसे देखते हुए एक बार फिर दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस और CII ने मिलकर 3 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में रोजगार शुरू करने को लेकर एक वर्कशॉप शुरू किया है। पहल जिसको उस समय गवर्नमेंट इसके साथ ने शुरू किया था, आज काफी विकसित हो चुकी है और कम से कम इन बच्चों में जिन्होंने इस पहल का फायदा उठाया उनके अंदर एक पुलिस की छवि के बारे में दूसरी अनुभूति हुई होगी। उन्होंने ये महसूस किया होगा कि पुलिस केवल परेशान नहीं करती है बल्कि परेशानी में फंसे हुए लोगों की मदद भी करती है। मेरा से मानना रहा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो पुलिस को अपना प्रोफेशनल काम करने में ही मदद नहीं करते बल्कि समाज में समाज के उन वर्गों को मदद करने के लिए जो पहल हम लोग करते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम की तरफ से उनके मन में पुलिस की छवि को सुधारने का भी प्रयास। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम से हम ये कम से कम साबित कर सकते हैं जैसे गरीबी की वजह से अपराध की दुनिया में आते हैं उनको दिक्कत होती है और वो रास्ता भटक जाता है। बता दें कि इस वर्कशॉप में बेरोजगार लोगों को खुद का रोजगार शुरू कर कैसे उसको आगे बढ़ाना है इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के सफल लोगों को बुलाकर बेरोजगार लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मौके पर मौजूद CII दिल्ली पैनल और स्लीपवेल पैनल की कन्वेनर नमिता गौतम ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दक्ष बनाना और रोजगार देना उनका लक्ष्य है। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है हम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी स्कीम है ये युवा वाली और इसमें वो जो हर पुलिस स्टेशन पर जो उस कम्युनिटी के यंगस्टर्स होते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो हम उस ट्रेनिंग का पार्ट है, हम वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं और हम उसको फंड कर रहे हैं। ये कौन युवा होते हैं जिनको ट्रेनिंग? ये युवा वो हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। कुछ इसमें से क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी होते हैं जो रास्ते कुछ है। कुछ वो भी हैं और ये एक प्रोएक्टिव वो है मेजर जिससे कि वो उस रास्ते पे न जाएं और दिल्ली पुलिस की छवि अच्छी हो। और ये जो बच्चे हैं ये एक सोशल वर्क भी है दिल्ली पुलिस के लिए छवि संभालेगा और प्लस ये अगर अच्छे रास्ते पे निकल जाते हैं तो पूरी सोसाइटी का फायदा होता है। तो वहीं इस कार्यक्रम के तहत अब तक जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रूबरू कराया गया और जिन पुलिस अधिकारियों की बदौलत ये संभव हो पाया उन्हें इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस कई सालों से दिल्ली के 24 पुलिस थानों में युवा कार्यक्रम चला रही है जिसके जरिए दिल्ली पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में हजारों युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें दक्ष करती है। अब तक इस युवा कार्यक्रम से 13,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है और इस कार्यक्रम के जरिए उन छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है जो गरीब होते हैं, जिनकी पढ़ाई किसी वजह से छूट जाती है या फिर कम उम्र में किसी गलत संगत में पढ़कर अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। अपने इन्हीं शानदार काम की वजह से दिल्ली पुलिस दिलवालों के दिल पर राज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।